हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के यूनिट 5 के सेकंड पार्ट के ऊपर मैं आ गया हूँ। जी हाँ, सेकंड पार्ट के ऊपर आ गया हूँ। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख लिया, उसका बेसिक मीनिंग और ऑब्जेक्टिव देख लिया, कंज्यूमर के राइट्स मैंने बता दिए, अब आगे उसके पॉइंट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। वह पार्ट देखने पे ये थोड़ा सा कवर अप होगा क्योंकि मैं इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिक काउंसिल के बारे में बताना चाह रहा हूं। अब काउंसिल क्या है? काउंसिल यानी कि वो जगह जहां पे जाके मैं न्याय के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ के लिए मैं रेड्रेसल देख सकता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर तीन तरीके की काउंसिल आई थी। कौन कौन सी काउंसिल थी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी बेसिकली काउंसिल है, फर्स्ट है नेशनल लेवल की, सेकंड है स्टेट लेवल की और थर्ड है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की। तीन तरीके की स्टेट एनएसडी याद रख लेना, तीन तरीके की काउंसिल बनाई गई, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, अब ये तीन तरीके की काउंसिल को कैसे लिखा है, दोनों के पास क्या राइट्स हैं, कौन सा क्या रिड्रेसल करते हैं, क्या पेनल्टी लगाते हैं, क्या एजेंसीज हैं। एजेंसीज भी वही है और काउंसिल्स भी वही है ना, तो तीनों दोनों में टाइप वही है, मतलब नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। केवल एनएसडी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके काउंसिल का पूछा गया अगर कोई क्वेश्चन, वैसे तो इसकी संभावना कम, लेकिन पूछा गया तो फिर किस तरीके का बनता है पेपर, पूछता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के वेरियस काउंसिल्स को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, एक थ्योरी के टाइप में आ गया। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आर टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट विद द स्टेट ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आर, सेंट्रल ये याद रखना है, नेशनल, सेंट्रल यानी नेशनल है ना, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल यानी केंद्र, केंद्र यानी नेशनल। ठीक है, प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ द इंडियन कंज्यूमर इन द, याद रखना इंडियन कंज्यूमर के लिए बनाई गई, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका वहां के लिए नहीं है। ठीक है, इन द विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी कि टेरिटरी का मतलब भारतीय भूभाग, यानी भारत के बाहर यदि कोई भारत का भी कंज्यूमर कोई चीज परचेस करता है, जैसे कि इंडियन कंपनी से किसी ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रोडक्ट बाय करा, तो वो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन के खिलाफ नहीं केस फाइल कर सकता है। ठीक है, द सेंट्रल काउंसिल इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ टू लाई डाउन, यानी सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सी है, सेंट्रल है, जिसको और नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने क्या बोला है, नेशनल काउंसिल। द कंज्यूमर इंटरेस्ट मेनली कंसर्न, कंज्यूमर का कौन कौन सा इंटरेस्ट मेनली कंसर्न किया है इन्होंने, सबसे पहला कि गुड क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, पहला कि उसको क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस मिले। सेकंड कह रहा है कि रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट हो, रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई, यानी कि आज ऐसा, आज सप्लाई हो रही कल ना हो, ऐसा नहीं। क्या होता है, कल अगर सप्लाई नहीं हो रही होती तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है, इसको कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि चीजों के भाव बढ़ाने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए लोग अपने गोदाम में वो चीजें रख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं थी इंडिया में, अगर उसकी प्रॉपर सप्लाई करी जाती, हुआ क्या, कुछ जो ठेकेदार थे, जो तथाकथित ऑक्सीजन के ठेकेदार थे, उन्होंने 15-15, 20-20 ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे जमा करके रख लिए, या जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि मेरे को कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ सकती है मेरे फैमिली के लिए, तो उसने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के कारण वो ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कुछ गलत किया, जिस व्यक्ति ने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लिए, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है उसके माता पिता हैं, उसके एजेंट कोई भाई बहन, वाइफ है, कोई बच्चा है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है और गवर्नमेंट हेल्प करने को रेडी नहीं है, तो उसने डबल रेट में भी वो ऑक्सीजन जमा करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे मार्केट में सप्लाई रुक गई और प्राइस हाइक हो गए। तो प्राइस हाइक हो गए तो हमारा कौन सा राइट खत्म हो गया, हमारा वो राइट खत्म हुआ ना कि हमको एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है आपको कंज्यूमर को, इसलिए प्रोटेक्शन वाला राइट डिसमिस हुआ था यहाँ पर, है ना। और रीजनेबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी लिए, अब काफी इसका बढ़ गए हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स भी हर जगह डिप्लॉय हुए, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं होते थे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑक्सीजन के प्लांट्स हुए, क्योंकि हर तरफ कुछ ना कुछ, अब ये ऐसी कोविड टाइम पे आया था कि गवर्नमेंट के पास भी कुछ आइडिया नहीं था इतने बुद्धिजीवी होने के बाद कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो खैर इसको अच्छे ढंग से निपटा। भारत के सारे लोगों के इसके लिए शुभकामनाएं कि उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती को बहुत अच्छे ढंग से निपटा, जबकि आज भी कुछ देश उसमें बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं।
ठीक है, रीजनेबल प्राइस मिले, रेगुलर सप्लाई हो और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ये इस काउंसिल के मेन एरा और फोकस थे कि इस पे ये कंज्यूमर को मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सेंट्रल काउंसिल के फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं, कौन कौन फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर इन चार्ज कौन होता है, कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इन चार्ज वही इसका चेयरपर्सन भी होता है, ठीक है। अब ये बुकिश है, इसमें ज्यादा समझाने लायक नहीं है, लेकिन इस बार इसको पढ़ लेते हैं, ताकि किताबें तो अपन कहां पढ़ रहे हैं, यही पढ़ लेते हैं। सच मेंबर्स ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनके मेंबर्स ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, उसके मतलब कोई मंत्री हो गया, कोई आप उसको मिनिस्टर को बना सकते हो, लेकिन उसका जो चेयरपर्सन होता है वो कंज्यूमर अफेयर्स का चेयरपर्सन को वहां पे बना दिया जाता है। द सेंट्रल काउंसिल मीट एज द व्हेन नेसेसरी, ये कब मिलती है, जब जरूरत होती है, और एटलीस्ट वन मीटिंग शैल बी इन ईयर, एक साल में एक बार, याद रख लेना ये, एक साल में वन ईयर वन टाइम, सॉरी वन, यानी एक साल में एक बार ये मीटिंग होनी जरूरी रहती है, बाकी इनकी इच्छा हो इतनी बार मिल रहे। स्टेट काउंसिल क्या है, अभी स्टेट काउंसिल जब नेशनल काउंसिल के ऊपर गए तो स्टेट काउंसिल आया, स्टेट काउंसिल शेड बी कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, स्टेट काउंसिल में कौन आएगा, अब मिनिस्ट्री इन चार्ज जिसके कमीशन कंज्यूमर अफेयर्स के जिसके पास आएगा, जिसके पास विदेश पूरे इंडिया का है वो सेंट्रल का रहा, जिसके पास नेशन का है वो डिस्ट्रिक्ट का है, सॉरी स्टेट का है वो यहाँ का इंचार्ज बन गया। क्या मुश्किल है इसको समझना, कोई मुश्किल है बताओ, जो इस प्रोटेक्शन में क्या कह रहा है, इस काउंसिल में क्या कह रहा है, क्या ये कह रहा है कि जो स्टेट का मिनिस्टर है वो उसका चेयरपर्सन हो गया, जो सेंट्रल का मिनिस्टर वो सेंट्रल का चेयरपर्सन हो गया, है ना, और इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एटलीस्ट टू मीटिंग इन द एवरी ईयर, और ये स्टेट वालों को कितनी बार मिलना है, दो बार मिलना है, देख लो यहाँ लिखा है, मन से नहीं है, स्टेट वालों को दो बार मिलना है और नेशनल वालों को एक बार मिलना है, यानी टू इन अ ईयर, मैं इधर लिख देता हूँ टू इन अ ईयर मिनिमम है, है ना, मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं है, रोज मिलो ना भाई, तुम्हारी घर की काउंसिल है, रोज मिलो, कौन मना कर रहा है। अब क्या है रिड्रेसल एजेंसी, अब जैसे कि काउंसिल दो में बढ़ाई, वैसे तीसरी भी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसलिए वो है भी नहीं। एजेंसीज, रिड्रेसल एजेंसीज में क्या है कि तीन तरीके की एजेंसीज है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। नेशनल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है। अब स्टेट कंज्यूमर फोरम है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, स्टेट कंज्यूमर कमीशन है और नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, ठीक है। अब तीनों का क्या काम है, तीनों का काम ग्रेवियंस रिड्रेसल करना है, दोनों का तीनों का अमाउंट अलग अलग है, क्या है चीजें, आइए बुकिश देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ईच डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम सेट अप ईच डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ अ शेल कंसिस्ट अ पर्सन हु इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन कार्य करती है, यानी उपभोक्ता मंत्रालय किसके अधीन आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आ रहा है, हो सकता है उसको अतिरिक्त प्रभार दे दिया हो या एक डिस्ट्रिक्ट जज अलग से अपॉइंट कर दिया हो, ठीक है। जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में किसको कौन से मामलों को देखता है, उपभोक्ता के मामलों को देखता है ना, वो हैव एडिक्वेट नॉलेज और दो मेंबर होने इसके जरूरी है, ठीक है, दो मेंबर एमिनेंट मेंबर होने जरूरी है, एमिनेंट यानी नियुक्त किए हुए, जो हो सकता है कि कुछ लॉयर्स हों, हो सकता है कि कुछ पुराने सोशल वर्कर्स हों, या हो सकता है कि जजेस रह चुके हों, सेवानिवृत्त हों, दो मेंबर्स का होना इसमें जरूरी है जिनको कॉमर्स लॉ का नॉलेज है, बस इतना ही इसमें याद रखना था। अब स्टेट कमीशन, ठीक है, स्टेट कंज्यूमर कमीशन, अब वो वहां पे याद रखना, यहाँ पर जब अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये फोरम आ जाता है, फोरम का मतलब है मंच और कमीशन का मतलब है एक तरीके का तंत्र, है ना, इसको यहाँ पर एक मंच है जहां पर आप बात कर सकते हो और एक पूरा का पूरा सिस्टम हो जाता है, तब उसको अपन कमीशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने कौन सी अभी आजादी में याद आया था, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, तो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इट्स कॉल्ड द कमीशन, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल कहाँ लिंक हो जाता है, कभी कभी तो मेरे को ही याद नहीं रहता, ठीक है। आ जाते हैं, अब इसमें जज जो हाई कोर्ट का अपॉइंटेड जज है वो यहां पर बन सकता है, हाई कोर्ट का है जरूर। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी बताइएगा, यूपी का हाई कोर्ट कहां पर है और अभी यूपी हाई कोर्ट के जज कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वही कौन बन सकते हैं भैया, वही हमारे स्टेट कंज्यूमर कमीशन के
मेंबर सॉरी जज बन सकते हैं, स्टेट कमीशन कंज्यूमर कमीशन के जज बन सकते हैं, कौन जो हाईकोर्ट के जज रह चुके हों। अब हाईकोर्ट का सुप्रीम जज कौन है वो नहीं, कोई भी एक जज का नाम मेरे को बता देना। हाईकोर्ट का भी वैसे मेन जज के नाम ही आते हैं, अधिकतर नेट पे सारे जजेस के नाम नहीं मिल पाते हैं, वो उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे। और दो मेंबर्स होने जरूरी है। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम में परेशान करती है, जो स्टेट कमीशन का है 20 लाख और 1 करोड़ की इसकी लिमिट है, यानी 20 लाख से ज्यादा का कोई वाद होगा यानी प्रॉब्लम होगी और 1 करोड़ तक की कोई वाद है तो वो स्टेट काउंसिल डील करेगी। क्लियर है? 20 लाख से कम कौन डील करेगा, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इतना सब क्लियर है, लिखा हुआ है ना? ये अच्छा, ये लॉ है, ये कभी कुछ अमेंडमेंट करके चेंज हो गया हो तो बाद में, लेकिन जहां तक मेरे को 2002 का मैंने इसके अंदर फिगर लिया है तो चेंज नहीं हुआ होगा। 20 लाख से कम का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 20 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ से कम, याद कर लें, चलो याद कर लेते हैं। 20 लाख से कम हो तो डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 1 CR के बीच में किस में आएगा, स्टेट काउंसिल। और 1 करोड़ से ज्यादा तो कहां आएगा, सेंट्रल काउंसिल या नेशनल कमीशन, ठीक है, सी या एन, दोनों में से कोई भी बात सही है। नेशनल कमीशन लिख दोगे तो ज्यादा सही है क्योंकि अप्रोप्रिएट वही लिखा हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये? अब ये सारी चीजें याद रख लेना, दोनों के अंदर दो दो मेंबर्स होने जरूरी हैं जो पुरानी नॉलेज रखते हों, जिनको रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। और थ्योरी है, ऑर्डर में भी द फॉलोइंग टाइप। हाँ, अब क्या है इसमें, ऑर्डर्स किस तरीके के दे सकता है ये जज, मतलब आपको न्याय किस तरीके से मिल सकता है यदि आपका कोई केस फाइल हो गया, ये हमको भी जानना जरूरी है कि अगर हमारे ऊपर, जैसे कि कोई गया पेन लेने, उसने पेन मुझे खराब दे दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाऊँगा ना, 20 लाख का तो पेन होता नहीं, 20 लाख से कम का ये भैया 10 रुपये का पेन है। अब याद रखना उसके अंदर चीज मटेरियल होनी चाहिए, आपको कोई उससे कोई नॉलेज में कोई प्रॉब्लम आई हुई होती है तभी जज जो होता है हियरिंग करता है, यानी चीज मटेरियल होनी चाहिए। 1 रुपये 2 रुपये के लिए जज हियरिंग नहीं करेगा, मैं बेसिक बात बताता हूँ। लेकिन उससे अगर कोई बड़ा नुकसान, कोई स्किन डिजीज हो गई, जैसे 5 रुपए की आप कोई क्रीम लेकर आए उससे आपको स्किन डिजीज हो गई और 1 लाख रुपए दिक्कत आ गई या 1000-2000 की दिक्कत आ गई, तो उसको जज सुनता है कि इसका ये दिक्कत आ रही है। पहला क्या है उसमें, क्या राउंड मिल सकता है, टू रिमूव द डिफेक्ट इफ फाउंड, डिफेक्ट सॉरी, टू रिमूव द डिफेक्ट इफ फाउंड, अगर कोई डिफेक्ट मिल गया है तो उसको सही करना है, ठीक है। डिफेक्टिव गुड को रिप्लेस करना होता है, कंप्लेन आप कर सकते हो उसके लिए, उसको आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। रिट्रेसल में सप्लाई नहीं करना आपको हैजार्डस गुड्स की, और कॉस्ट देनी है। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स एक साथ याद करा देता हूं। बेसिकली कोई भी कोर्ट का जजमेंट आता है तो अधिकतर याद करिएगा, याद रखिएगा कि हमेशा मैक्सिमम टाइम्स उपभोक्ता के फेवर में आता है, क्योंकि उपभोक्ता ने वो कुछ चीज बात सही कही होती है। इसके लिए आप क्या क्या मिल सकता है उसको, उसका इंडेमनिटी मिल सकता है यानी हर्जाना मिल सकता है, वो प्रोडक्ट रिप्लेस करा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जयपुर में एक बहुत अच्छा सा केस आया था, अखबार के अंदर की कटिंग मेरे को याद आ रही है। इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी ने, एक यहाँ पर छोटा लोकल व्यापारी है, उसने एक बंदे को शादी के लिए कपड़े दिए, शादी के लिए कपड़े दिए, और उसने कहा कि पूरा आपको ये जो मतलब विदाईगिरी जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं, विदाईगिरी के लिए कपड़े भी आप हमारे यहाँ से लेके जाएं, तो वो सारे अपने विदाईगिरी के लिए कपड़े ले गया। अब क्या हुआ, उसके कपड़े तो निकल गए सही, और जो विदाईगिरी में उसने जितने भी कपड़े दिए थे उन सब के कलर हो गए फेड। अब कलर फेड हो गए तो उनका उड़ा मजाक, क्योंकि रिश्तेदार तो होते किसी के भी सगे नहीं, वो तो मजाक उड़ाने में कि उनके वहां शादी में से कपड़े आए थे तो ऐसे निकल गए, देखो एक बार बनते ही शर्ट का कलर निकल गया, हमारे इन्होंने तो चिंटू विहार पिंटू विहार के तो पापा ने सिलाई भी नहीं, अच्छा है सिलाई के पैसे बच गए, ठीक है। तो क्या हुआ, सेम फिर वो बंदा जो गया वो गया दुकान वाले के पास कि भैया 1 साल हो गया था, 1 साल पहले आपने वाइट मेरे से वादा किया था कि इसका कलर नहीं निकलेगा, कलर निकल गया। तो उसने दुकानदार ने हाथ खड़े कर दिए, तो वो गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने पूरे कपड़े के पैसे, जी हाँ 27,000 की कुछ खरीदारी हुई थी उसकी, कुछ 7-8 जोड़ रहे होंगे, 27,000 के कपड़े के पैसे और जो व्यक्ति ने सिलवा लिए हैं उसकी सिलवाई के पैसे मिला के कुछ 50,000 का उसका बिल बनाया, और उस कोर्ट ने उस दुकानदार को बोला कि ये पेमेंट आप करिए और इनको
इनका जो मेंटल हरासमेंट हुआ है इन सब के मिला के उन्होंने 60-70 हजार रुपए का जजमेंट दिया था। दैनिक भास्कर के अंदर ये आया था और पूरा केस काफी इंटरेस्टिंग था। इसी तरीके से ये ऑर्डर पास होता है। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, मेंटल हरासमेंट का पैसा मिल सकता है, रिप्लेसमेंट मिल सकता है, कॉस्ट मिल सकती है, इंडेमनिटी मिल सकती है, इसके अलावा अदर कोई डिफेक्ट हुआ है, अदर कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए भी वो लायबल होता है, और केस चार्जेस भी मिलते हैं। केस चार्जेस यानी कि इसमें जो दौड़ाभागी हुई है ना, पैसे लगे, वकील को जितना दिया है, ये हुआ है, मेरा आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ है, वो सब भी हम वसूल सकते हैं। तो इसलिए ये सब लेने के लिए हमें क्या करना होगा, अरे क्या करना होगा, बिल लेना होगा, और वो भी कौन सा, पक्का बिल, कच्चा बिल नहीं, पक्का, जिसमें जीएसटी नंबर वगैरह वो सब लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर पेनल्टी क्या है, पेनल्टी है 10,000 रुपए की और 3 साल की जेल का प्रावधान है। क्या है पेनल्टी, 3 इयर्स की तो जेल है, इम्प्रिजमेंट जिसको बोलते हैं, और 10,000 रुपए की पेनल्टी है। क्लियर है, आगे बढ़ो। हाँ, अब आ गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर केवल यही एक्ट देखेंगे, तो इसका अलग माइंडसेट से देखेंगे। जो मेनली इसके सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने समझा दिए। इसके अलावा हमारे भी कुछ ड्यूटीज होती है, जैसे कुछ राइट्स होते हैं उसी तरीके ड्यूटीज होती है, जैसे कि कंज्यूमर अपने बारे में बता दे, कंज्यूमर ने कुछ प्रॉब्लम करी है तो उसके बारे में बता दे, कंज्यूमर एक पक्का बिल ले, कंज्यूमर खुद प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर सके, ठीक है, और कंज्यूमर बेसिक नॉलेज रखता हो चीजों का, बेसिक नॉलेज मतलब कि बिल्कुल उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि पता ही नहीं कि वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक है नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, चालू कर दी और फिर हाथ आ गया नीचे और फिर अपन बात करने पहुंच गए। जैसे मेरे साथ खुद के साथ हो चुका है, एक दवाई मेरे को लेनी थी 500 mg की, ठीक है, मेरा खुद का केस आपको बताता हूँ, और मैंने ली थी वो दवाई 50 mg की। अब वो दवाई ले ली मैंने, घर आ गया, दवाई लेने के बाद 500 mg की लेनी थी, मैंने 50 mg की ले ली, सही नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये दवाई खाने के बाद तो मैं सही हो जाता था, सही नहीं हुआ, क्या दिक्कत रही, तो दिक्कत पता चला कि मैंने जब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा तो उसमें 500 mg लिखा है, और डॉक्टर्स की राइटिंग तो आपको पता ही है, खुद लिखो खुदा पढ़े, ठीक है, तो उन्होंने वही पढ़ लेते थे मतलब जो फार्मेसी वाले, तो मैं उनके पास गया, बोले भैया हमने गलती से आपको ये दवाई दे दी, तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा, आपने मेरे को गलती से कैसे दवाई दे दी। तो मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पे फोन किया, तो उसका सॉल्यूशन ये था कि सर आपने बाय कराया प्रोडक्ट, तो आपको कम से कम ये तो देख लेना था कि आपने सही प्रोडक्ट बाय करा है कि नहीं करा है, मतलब कि जो आप डिलीवरी ले रहे थे, तो आपने 50 mg जब आपने पहले पढ़ा, वो स्लिप पड़ी 50 mg वाली, तो वो पहले क्यों नहीं पड़ी 500 mg वाली। यानी ये कंज्यूमर की भी लाइबिलिटी होती है कि जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको बिफोर वो चेक कर ले कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है। अगर मैं 500 mg की ही कैप्सूल लाता और उससे कुछ रिएक्शन होता, दब केस बनता। गेटिंग माई पॉइंट, तो एक मेरा खुद का अनुभव रहा, जिससे मैं जब भी अब कोई प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो मैं उसको प्रॉपर चेक कर लेता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ और जिस नाम का बिल बन रहा है वो दोनों सेम है, ठीक है। और इसके साथ जय हिंद, और थर्ड वीडियो जल्दी लेकर आते हैं इसका, और आज खत्म कर देते हैं, अंतिम प्रहार भी आज ही शुरू करके आज ही खत्म करने की पूरी कोशिश है। तो बने रहिए मेरे साथ, और इसी के साथ हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करिए।